अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अभी रात हो गई है, ठीक है ना, तकरीबन 9 बजने वाले हैं। तो मेरा एक दोस्त है, समझ लें हमारे हमसाए में ही रहते हैं वो लोग, तो उन्होंने ना मेरे लिए खाना शाना बनाया हुआ है, दावत की है मेरी। तो मुझे पता नहीं था, उन्होंने मैसेज किए हुए थे व्हाट्सएप पे, मैं चला गया था फतेहपुर, वहीं से फिर मैं अभी घर पहुंचा हूँ। तो मैंने उनके मैसेज देखे हैं, सीन किए हैं मैंने, तो मुझे पता चला है कि उन्होंने दावत की हुई है। तो वो कॉल कर रहे थे, मैं गाड़ी में था तो मैंने कॉल नहीं पिक की। जब मैंने घर आके व्हाट्सएप देखा तो मुझे तब पता चला कि उन्होंने मेरे लिए तो दावत की हुई है। अभी फिर उधर चलते हैं, ठीक है, और अब ना जाएं तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ है मेरे लिए। वैसे मैंने खाना खा लिया था, खाना खा के ही मैंने फिर चेक किए थे उनके मैसेज। तो अभी फिर उधर चलते हैं, गपशप तो करेंगे उनके पास। खैर खाना मैंने खा लिया हुआ है, लेकिन कोई इतनी चाहत से खाना बनाए तो मैंने कहा नहीं भाई, इतनी कोई चाहत करे ना तो उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी फीलिंग को समझना चाहिए। तो अगले बंदे की फीलिंग्स की जो है ना वो कदर हमेशा करें। तो अभी थक बहुत ज़्यादा गया हूँ, बहुत ज़्यादा आज काम किए हैं। तो अभी मैंने भाई आवाज़ से बोला है कि मेरे साथ चलें, चलें दोनों भाई चलते हैं। तो मैं और भाई आवाज़ अब जाएंगे उधर, तो सारा सीन आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। अच्छा जी, फाइनली घर हम लोग पहुँच गए हैं। ये हैं जिनके पास हम लोग आए हैं, जैन भाई के पास। तो इंतज़ार हमने भी इन्हें बहुत करवाया, तो समझ लें इन्होंने भी करवाया लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि मैं फतेहपुर से आया हूँ, तो अभी आगे मैंने देखा है कि इन्होंने खाना शाना बनाया हुआ है। इन्होंने इस तरह मुझे ना इस तरह वीडियो बना के भेजिए भाई, मैं बैठा हूँ इधर। तो मैंने भाई अब्बास को उठाया, भाई अब्बास भी सोने लगे थे, क्योंकि हम लोग विलेज में रहते हैं तो इधर लोग जल्दी सो जाते हैं। अब खाना खाते हैं, उसके बाद फिर गपशप करते हैं। जी आए थे ना, अच्छा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है, जैन भाई के चैनल का लिंक, वहाँ से क्लिक करके उनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें। तो सानू वादा करके गए सी मामू हुणे ते भी मैं पढ़ूंगी। अच्छा झूठा ले लो, पहले दसो किन्निया पढ़ के आए सारा पढ़ लिया। अच्छा ते हुण तुसी पढ़ना के नहीं पढ़ना कदों? अच्छा जी, हाँ जी, वो जो चार टायर बनिया वा, बल्कि नहीं रक्षा टाइप। हाँ जी, शिकार जो तेन पहले निकलिया लक्ष्या, तुसी पढ़ोगे या लक्ष्या चलाओगे? अच्छा जी, बाहर अमीमा के पास साइकिल है, तो ये आई है अम्मी के पास, अपनी दादी के पास, के मुझे साइकिल ही लेके दें, मैंने ना उस पर उसे चलाना है मैंने। तो अभी देखें क्या डिसाइड होता है। अभी जी कह रही है कि अमीमा छोटी है, उसे थोड़ी देर खेलने दें। हाँ जी, साइकिल ही बटा चल दी, टूटी हुई साइकिल ही है दूसरी मोइज को, झूठे लाने। चलो आ मेरी मेरी तुसी ना इधर कम चढ़ जाओ, मैं आओ मैं थोड़ा झूले दें। हाँ जी,
आओ मैं थोड़ा झूले दे दी मैं थोड़ा चुक के है आज है की करा चुता ओ की होंदा मैं खुद ही चुक के झूठा दूंगा हां जी मैं चॉकलेट लेने अच्छा साइकिल ला दें बेटे नूं हुक्का रखना भी कहते हुक्का बनाना हुक्का धरना अग रखनी ते होर पता नहीं की बोलते या होर भी कुछ बोलते एक दो लफज वो हुण मेरे ज़हन च नहीं आ रहे ते असी तो जड़ा है ना कहने हुक्का धरना वा अग रखनी हुक्का धरना ये गुजराती लफज आ मतलब गुजराती जड़े है ना मतलब वो ये लफज यूज करते धरना जे करना जे हुक्का रखो लेकिन जड़ा आह असी फैसलाबादियाँ है ना अपने अपने ज़िलियाँ का वा ना साहब अपनी अपनी बोली आ असी कहने हुक्का धरना वा लेकिन मैं उन्होंने ना भाई आसफ हुनी भी मतलब गुजराती ही आ उन्होंने मैं सुनिया होया वा धरना जे ते करना जे जाना जे मतलब इस तरह बुलाते असी कहने असी करना आ असी जाना आ हाँ जी हाँ जी मैं वही दस रहा ना असी जो फैसलाबादी असी कहने असी करना आ असी जाना वा मतलब जाना आ उन्होंने आना वा वह कहें आना जे तो करना जे तो जाना जे वह जे बहुत इस्तेमाल करते नाल तो असी जड़ा वा ना असी सीधे ही बोलते हैं डायरेक्ट हाँ जी हिबा देख लें उधर से आके इसकी हालत देखें और सारा दिन ये ऐसे घूमती फिरती रहती है बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी अभी हाँ जी खा पका लिया बाजी हाँ जी हूँ तो एक चाय की प्याली हो फिर वेली वेली अच्छा जी चार पाइयां वगैरह निकालनी है उधर जो आपको वो छिलके वगैरह नज़र आ रहे होंगे ना ये हिबा और बच्चों के काम है आम के पौधे पे जाते हैं उधर से आम गिरते हैं उठा के लेके आते हैं और इधर ऐसे खा के वो फेंक देते हैं आंधी भी आई है आंधी से ये देखें आप इधर मैं आपको ये देख लें बच्चों के ये काम है टोकरियाँ वगैरह इन्हें दी हैं लेकिन ऐसे खा के इधर रख देती हैं ये देखें बहुत ज़्यादा इधर आंधी आई है तो आंधी से ये सारा हो गया है वाह तुसी तो नवे कपड़े पाए है सोने वाह बहुत सोने लग रहे हो माशाल्लाह हाँ जी तुसी मम्मा ना लड़ाई की थी भी जेडे मेरे वास्ते कपड़े आए मेरे ओह पाओ वो भी मम्मा ने रखिया वा कमरे च वो भी पा लियो हूँ आंटी रम तो शुक्रिया अदा करो कि आंटी रम दोबारा कहो कि आंटी रम बहुत बहुत शुक्रिया आंटी रम बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया कपड़े भेजे आंटी रम आई लव यू हाय मैं सदके जावा ये तो कहने दसिया वा अच्छा चलो खेल लो अच्छा जी आप इरम ने ये चीज़ें भेजी थी तो इसने लड़ाई की भाभी से कि मुझे ये चीज़ें पहननी है बेटा ये मोइज़ के लिए लेके आई थी पापा शहरों अच्छा जी और ये हिबा के जो कपड़े हैं ये पहन के देखा कितनी प्यारी लग रही है बहुत प्यारी लग रही है हिबा एक दफ़ा उतरो ना इधर से उतर के दिखाओ चलो खेलो खेलो मोइस जूता पाओ बेटा जूता ले ले जूता पा लो दोनों बहन भाई सारा दिन लड़ते भी रहते हैं खेलते भी रहते हैं एक दूसरे के साथ ये देखिए भाभी साइकिल पे बैठी हुई है नहा के और मोइस सब जो हैं वो सो के उठ के आए हैं तो वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुझे साइकिल दे दें
वो जेलसी बड़ी करते हैं, हिबा के बिना रहते भी नहीं है। हिबा कोई चीज़ ले रहे तो फिर जेलसी भी बड़ी करते हैं ना उससे, बड़ा जेलस होते हैं हिबा से। जब मैं उससे प्यार करता हूँ फिर भी बड़ा वो करते हैं कि चाचू जो है ना वो हिबा को प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करती। हालांकि मैं मोइज़ को बहुत लाड करता हूँ, तो मोइज़ जो है वो थोड़ा सा आगे से जो है ना वो लाड करे ना तो वो हो जाता है, ज़्यादा लाड करने लग जाए तो थोड़ी सी शरारतें ज़्यादा करने लग जाता है। हिबा शरारती नहीं इतनी करती, हिबा प्यार वैसे बहुत ज़्यादा बंदे को करती है। कल मैं लेटा हुआ था शाम के वक्त ना, मैं खाना शाना खाया, मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था, हिबा आई उसके पास ना, वो थी कुछ खाने के लिए, उसने वो मुझे भी चीज़ें खिलाई। ठीक है, मैं नहीं खा रहा था, उसने कहा नहीं चाचू आप खाएं ना, और मेरे मतलब किसियाँ करने लग गई, और करके फिर मुझे ना गले लगा के वो एक ज़ोर से हगी करके फिर गई अपनी चारपाई पे, फिर जाके वहाँ सोई, फिर वहाँ से उठी, फिर मेरे पास आके सो के फिर मैं उसे लिटा के आया था उसकी चारपाई पे। तो इतना लाड करती है मेरा हिबा, बहुत मेरा करती है, तो इसलिए मेरे मुझे बहुत प्यार आता है हिबा पे। बाकी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मज़दूर हम लोगों ने लगाए हुए हैं उधर, वो दरख्त जो है ना वो काट रहे हैं, क्योंकि अभी दरख्त टूटने लग गए थे तो वो हमने सेल कर दिए। अब दोबारा जो है ना मौसम आएगा, ये बारिशें वगैरह होंगी तो तब मौसम आता है दरख्त लगाने का, फिर इंशाल्लाह हम लोग फिर लगाएंगे। तो बाजरे की बिजाई करनी है तो फिर ना उसमें भी वो टूटेंगे तो फिर नुकसान करेंगे, इस वजह से फिर अबू जी ने कहा था कि वो जो है ना जिधर बाजरे की बिजाई करनी है वो आप लोग दरख्त सेल कर दें, आगे फिर लगा लें, तो इसलिए हमने वो चीज़ें सेल कर दी हैं। अच्छा जी, खेतों में आया था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये सीन शेयर करता हूँ। तो इस आम के दरख्त को ना, आम जो लगते हैं ना बहुत मीठे आम हैं इसके, तो इसको ना वो फिर जो चिड़ियाँ वगैरह कवे वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा पकना स्टार्ट होता है तो इधर से फिर वो ख़राब कर जाते हैं। ठीक है, वो मैं देखने आया हुआ था कि कोई गिरा तो नहीं नीचे, क्योंकि पक के फिर नीचे गिर जाते हैं वो, वही फिर हम लोग तोड़ते हैं, कच्ची हम लोग नहीं तोड़ते। तो खैर अभी मेरा ख्याल है भाई या अम्मी लोग वो लेके गए चले गए हैं इधर से, वरना इधर ज़रूर गिरे होते। ये लगते तो ऐसे छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से लगते हैं ये देखिए आप, लेकिन मीठे बहुत ज़्यादा हैं। आम तो खैर नहीं मिले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह। तो आपके साथ ये सीन मैंने शेयर कर दिया है क्योंकि जो बहन भाई बाहर रहती हैं जिनके बच्चे बाहर हैं तो उनके लिए ये सीन मैंने डाला था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।